अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमार बुखारी और आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट। पिछले दिनों मोटरवे पर एक रेप इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। ऐसे वाकयात माजी में भी बहुत हुए हैं, स्टिल हो रहे हैं, लेकिन एक वो जैनब बच्ची वाला केस, दूसरा ये मोटरवे वाला केस, इसमें पता नहीं क्या दर्द था कि इसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। मैंने लिटरली लोगों को रोते हुए देखा, मुझ पर भी बहुत असर हुआ था इसका। तो मुझे कुछ सवाल थे जो बड़ा तंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक पब्लिक रिव्यू किया जाए, एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो रिकॉर्ड की जाए जिसमें लोगों से कुछ सवाल पूछे जाएं और उनसे कोई मैसेज लिया जाए। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करने आज मैं जा रहा हूँ लोगों के रिव्यूज़ लेने, लेकिन इस वीडियो के एंड पे वो सारे सवालों के जवाब मैंने भी दिए, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका नाम बताइए। इवेरिक। आपका नाम? इवान एरिक। ओके, आप स्टूडेंट्स हो, पढ़ती हो? हाँ जी। फाइन, ये सरेआम फांसी होनी चाहिए रेपिस्ट को? जी बिल्कुल होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ऐसे काम का यही नतीजा मैं सोचती हूँ होना चाहिए। जो लोग इस तरह से दूसरों की, मतलब जाहिर सी बात है बहन बेटियों के साथ बुरा काम करते हैं, उनके साथ डेफिनेटली होना चाहिए, सरेआम फांसी दी जानी चाहिए रेपिस्ट को। या दे शुड बी, क्योंकि जब तक हम एक चीज़ के लिए इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना, तब तक ये चीज़ जारी रहती जाएगी। सबसे पहली बात है कि लॉ ऑफ लैंड, इफ द लॉ ऑफ लैंड अलाउज द पीपल शुड बी हैंग्ड, उनको फांसी दे देनी चाहिए जब तक कि आप इसको अबॉलिश नहीं करते। ठीक है मुनीर साहब, एक गल दसो है, जेड़ा बंदा उन्होंने फड़ लिया है मोटरवे इंसिडेंट वाला आबिद मल्ली, की करना चाहिए उसके नाल? फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाई जान, उन्हों सरेआम कुतरे की मशीन दे विच जां लाना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चों कट्ठे करन के वो गुनाहों तो पाक होंदे ने, उन्होंने सरेआम जड़ा संसार किया जाए पत्थर मार मार के उन्होंने मार देना चाहिए। आपको मोटरवे इंसिडेंट का पता है जो पाकिस्तान में हुआ था? हाँ जी। अच्छा, वो बंदा जो मेन मरकजी किरदार था इसका, वो कल अरेस्ट हुआ है। डू यू थिंक ही शुड बी हैंग पब्लिकली इफ ही इज? डेफिनेटली बिल्कुल हैंग होना चाहिए, पब्लिकली ही हैंग होना चाहिए। बड़ा ज़रूरी है कि ये दो चार बंदों को रीगल चौक में या लिबर्टी चौक में टांगे और टंगा रहने दें चार दिन, जब तक कमे नहीं खाते उनको। डॉक्टर साहब, रेपिस्ट को पब्लिकली हैंग किया जाना चाहिए? यस, बिल्कुल किया जाना चाहिए, बिकॉज जो है इट वुड डिस्करेज अदर पोटेंशियल रेपिस्ट्स फ्रॉम कमिटिंग दिस एक्ट अगेन इन द फ्यूचर। बल्कि फांसी नहीं देना चाहिए, उसका नाक काट देना चाहिए और उसका एक कान काट देना है और उसका शर्मगाह काट देना है, ताकि वो रोज मरे। वेस्ट में और पाकिस्तान में बहुत से लोग, हमारे कुछ मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि पब्लिकली हैंग करना या सख्त सजाएं देना जो है ना, ये वायलेंस को प्रमोट करता है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो क्या ये सही नहीं कह रहे हो? आई विल क्वेश्चन देम दैट इज इट नॉट वायलेंस जो डेली लड़कियों के साथ होता है ऑन द रोड्स इन पब्लिक प्लेसेस, ये क्या है? ये वायलेंस नहीं है? देखें, ह्यूमन राइट्स के वो जो हरकत की है उसने ह्यूमन राइट्स के अंदर रह के की है। देखें ना, एज अ मुस्लिम हमारे इस्लाम में क्या है, ठीक है ना, ऐसे लोगों को संसार कर देना चाहिए। ये जो उसने किया है इसकी कोई माफ़ी नहीं है, ना हमारे इस्लाम में है और ना ही हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। इसकी सजा ही होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जो है ये देख के जो है उनको मतलब सबक सीखे। ये छोड़े, ये जो यूरोपीय यूनियन कह रही है, ये कह रही है, आपने अपने मुआशरे को नहीं करना। आप कब तक वो उनकी वो ये जो एनजीओज हैं इनकी गुलामी करते रहेंगे और ये सिलसिला करते रहेंगे? नहीं, उन्होंने भी तो सरेआम मोटरवे पे ऐसा किया था पकड़ के, तो सरेआम फांसी फिर क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये राइट है। एजुकेट द यूथ, ठीक है, स्टार्ट कैंपेन, एनीथिंग जिससे लोगों को जो है ना समझ आ जाए कि क्या ठीक है क्या नहीं है। सबसे पहले तो लाइक हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। और इतनी एकेडमीज खुल चुकी हैं हर चीज़ उसमें से, देखिए इस इंसिडेंट के बाद अब से औरतों को सिखाने लग गए हैं कि लड़कों से इस तरह अपने आप को करना है, बचाया जा सकता है। तो ये पहले नहीं हो सकता था, मतलब इंसिडेंट्स के बाद ही आपको ये मिलते हैं। और यकीन करें ये दो या चार दिन की होगी क्लासेस, उसके बाद सब भूल जाएंगे। हम लोग जब घर खुला छोड़ देंगे तो चेयर चोर का तो नियत ख़राब होगा। बिल्कुल सही। कुछ फर्ज यहाँ की माशरे जो औरत है उनके भी बनते हैं। बिल्कुल, कि मतलब वो कपड़े और अपना जो इस्लामी तरीक़े की जैसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। और मर्द जो है, औरत है, हम लोगों के साथ, सब मुसलमानों के साथ शैतान है।
पहले तो हम लोग देखते थे, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। कराटे सेंटर्स होते थे, वहाँ सिखाए जाते थे प्रॉपर, बच्चों छोटे छोटे बच्चों का होता था, लेकिन अब तो स्पेशल बनाना चाहिए ये चीज़ देखने के लिए कि कैसे मतलब लड़कियाँ बाहर जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त घर वाले मतलब भाई पापा अवेलेबल होते हैं, हमें खुद भी जाना पड़ता है हर जगह पर, अपने लिए जाना पड़ता है, तो होना चाहिए ये। मार्शल आर्ट्स कराने से पहले इंस्टीट्यूट्स में इनको एजुकेशन प्रॉपर देनी चाहिए कि इनको पता हो कि हमने अगर लड़कियों के साथ उठना बैठना है, उनको देखना है, तो किस तरह करना है। अच्छा, एज अ वुमन आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं? टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं फील कर रही थी यहाँ पर, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से पहले सिर्फ मेरे पेरेंट्स दोहा में डरते थे, वो मुझे कहते थे ये नहीं करना, अब मुझे खुद भी बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं खुद भी किसी भी इंसान से मिलते हुए, कहीं भी निकलते हुए, किसी के साथ भी निकलते हुए, अब मैं बिल्कुल सिक्योर फील नहीं कर रही। इस तरह जब भी कुछ होता है फॉर एवरी फीमेल ये होता है, वो घर से निकलने से पहले 10 दफ़ा सोचती है, घर से एस्कॉर्टेड निकलना प्रेफर करती है, एस्कॉर्टेड निकलते हुए भी जो है वो सोचती है कि क्या मेरे साथ क्या होगा। कि जिस तरह से ये चीज़ें आम होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ पैदा होना शुरू हो गई हैं। मतलब आप घर वालों को अकेला नहीं भेज सकते, अपनी बहन भाइयों को, छोटों को, खासतौर पर लेडीज़ को, तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब फील होना शुरू हो गई है एज अ ह्यूमन बीइंग कह लें। पहले तो हम या मार्केट से जब आते थे या बाहर घर से निकलते थे तो हमें इतना मतलब डर नहीं होता था, लेकिन अब हम घबराते हैं। अच्छा, मीडिया जो कवरेज करता है ऐसे इश्यूज की, वो जिस अंदाज से करता है कवरेज, खुश है उससे? नहीं, मीडिया देखें, मीडिया तो टोटली पेड है ना, आप पैसे दे के उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें करवा लें। एक न्यूज़ चलती है वो तब तक चलती है जब तक उसको चलाना होता है, जब आपने उसे ख़त्म करना है तो आपको नज़र ही नहीं आती। जितना ज़्यादा ये बढ़ा चढ़ा के इंसिडेंट्स को शो करते हैं, अगर उतना ही ये लोग जस्टिस के लिए करें तो आई थिंक वी विल अचीव आवर गोल्स। मीडिया का ये होता है कि बस एक खबर चल गई है, उसको बस एक हेडलाइन बना के उसको चला दिया, बस उसके ऊपर सेकेंड डे कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वो एक छोटे घरों की बच्चियाँ हैं, उनके पास पैसे नहीं है मीडिया को देने के लिए या पॉलिटिशियंस को देने के लिए। क्यों हम बच्चियों की आवाज़ क्यों नहीं हम आगे लेके जाते? हम एक ही वुमेन, एक ही रेप नहीं हुआ है, रोज 2-3 रेप होते हैं, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? तो ये थे लोगों के रिव्यूज़, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब जो क्वेश्चन मैंने लोगों से किए थे, मैं चाहता हूँ मैं उस पर अपनी राय भी दूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, शुड द रेपिस्ट बिहाइंड पब्लिकली? 100% यस, मेरा जवाब भी यही है जो लोगों का है मेजॉरिटी, कि उसको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सज़ाएं नहीं देंगे ऑब्वियसली ये वाक़यात होते रहेंगे। और इंसान की फितरत है कि जब उसको सज़ा का खौफ होता है तो बहुत से कामों से वो बाज रहता है। अल्लाह ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया है, कुरान में हमें जहन्नुम से डराया है। अगर ये खौफ ना हो तो पता नहीं हम लोग क्या कर बैठे। पूरी दुनिया में मिसालें आपके सामने, चाइना में देख लें बहुत सख्त सज़ाएं चोरी पर, सऊदी अरब में आपके सामने वो दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने, उन्हें पता होता है कि कुछ नहीं होगा। तो जब तक हम लोग ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, लोग बाज नहीं आने लगे, इंसान की फितरत है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जी व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ इश्यूज़। लोगों ने कहा जी एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। मैं समझता हूँ कि तालीम और तरबियत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तालीम हमारे पास है, हमें तरबियत की ज़रूरत है, वो इकदार वो वैल्यूज़ जो हमारे बुजुर्गों की थी जो हमने छोड़ दी हैं वो उन पर जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप देखें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हुए हैं, कोई बच्चों को कारी साहब पढ़ाने आए हैं वो बच्चे के साथ ज्यादती करें, प्रोफेसर टीचर्स इन्वॉल्व हैं इस सब में, तो एजुकेशन का इससे कोई लिंक नहीं है, तरबियत की ज़रूरत है। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं स्पेशली बच्चों के साथ। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पोर्नोग्राफी देखने में दुनिया के टॉप 5 या 10 कंट्रीज़ में आता है, बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है, कोई अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट पॉर्न पाकिस्तान में बैन है, इसके बावजूद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न सर्च करने वाली कंट्रीज़ में से हैं। तो पोर्नोग्राफी जो है ना वो बहुत बड़ी रीज़न है स्पेशली ये बच्चों के साथ जो हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर, डार्क वेब के ऊपर, जिससे इस तरह के वो जो खनास है दिमागों में भर जाता है, लोग एडवेंचर्स करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो लिहाजा इसको चेक किया जाना चाहिए, ये बहुत बड़े फसाद की सबसे बड़ी जड़ी मैं समझता हूँ ये है। बट हम क्या कर सकते हैं, मेरा एक सवाल था, टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ इशूज़। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करने चाहिए। वेस्ट की मिसालें मुँह उठा के नहीं देनी चाहिए। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेप्स होते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रेप यूरोप में, अमेरिका में और बाकी दुनिया के मुल्कों में होते हैं जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं।
तो ये हर जगह होते हैं, वहाँ पे सिर्फ मीडिया इनको प्ले अप नहीं करता, इस तरह से दिखाया नहीं जाता जैसे पाकिस्तान में दिखाया जाता है, वहाँ इसको अंडर द कारपेट बहुत ही अच्छे तरीके से डील करके उस बंदे को सजा दे दी जाती है। इस तरह लोगों में डिस्कस नहीं करते, लोगों में खौफ और हरासने फैलाते, साइकी का पेशेंट ही बनाते लोगों को। लेकिन इस तरह के वाकयात वहाँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वेस्ट को फॉलो करना छोड़ें क्योंकि वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा है। हमें अपने हालात के मुताबिक फैसला करना है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ आपका जब दिल चाहे रात के 3 बजे 4 बजे आप मुंह उठा के बाहर निकल जाएं। आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, वो हुकूमत की और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह का करें कि हम जब दिल चाहे बाहर जाएं। अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसा वक्त आए, इंशाल्लाह आएगा, कि जब सब कुछ अच्छा होगा हम अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से बाहर जा सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। सो ग्राउंड रियलिटी पे थोड़ा सा गौर करें और ख़ुद सेंसिबल चॉइसेस करें। अगर आपको जाना पड़ रहा है, साथ किसी को लेके जाएं, औरतों को कोई वेपन कैरी करने की इजाज़त दें या कोई सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स कॉलेज लेवल से सिखाए जाएं। ये ना करें कि जी हम रात को 4 बजे निकलें तो बस जी तुम हमें ना बताओ, CCPO हमारी मर्ज़ी है। देखें, मैं रात को 2 बजे 3 बजे बाहर निकलूं, अच्छी महंगी वॉच पहन के, अच्छा फ़ोन लेके, जेब में पैसे लेके, मेरे साथ कोई ऐसा वाकया होगा तो मेरे माँ बाप का पहला रिएक्शन क्या होगा? वो यही कहेंगे तुम और जाओ रातों को 3-3 बजे अवारगियाँ करने। जितने यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जब कॉलेज लाइफ में आप नए नए आते हैं, आपको बड़ा शौक होता है दोस्तों के साथ लेट तक फिरने का, माँ बाप क्या कहते हैं? एक ही बात बार बार कहते हैं, तुम रातों को लेट तक फिरते हो तो ज़रूर कोई चांद चढ़ाएगा, ये कहते हैं ना। तो ये एक नेचर है, पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि दिन की निस्बत रात को क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा हमें अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में तो वो बाहर नहीं जाने देते 12 साल की उम्र तक, यानी कि 13 साल से छोटे बच्चा या बच्ची इंग्लैंड में अकेले बाहर नहीं जा सकते। वो गोरे हैं, बहुत मॉडर्न कंट्री है, हम लोग ये समझते हैं, लेकिन कितना सख्त लॉ है। पाकिस्तान में भी ऐसे लॉ होने चाहिए। तो थोड़ा सा हमें भी अपना पार्ट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की ज़रूरत है, सारा कुछ गवर्नमेंट पे ना डाल दें। तो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कहने को बहुत कुछ है लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। सो जो शॉर्टली मैंने मैसेज देना था वो मैंने दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल स्ट्रीट लाइट को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, थॉट प्रोवोकिंग वीडियोज़ लेके हम आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।